आपको बस अपने पर्टिकुलर स्टेट में जाकर ड्रग लाइसेंस यानी कि डीएल इसको निकालना होता है, आपको डीएल बनाना है, और डीएल बनाने के बाद आप अपनी खुद की रिटेल फार्मेसी चला सकते हैं। ठीक है, तो डी फार्मा करने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो बहुत सारे स्कोप है, सबसे पहला स्कोप आता है आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जा सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर द मेडिसिन, तो मेडिसिन बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। इसमें अलग अलग लेवल होते हैं, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसमें एंट्री कर सकते हैं। सेकेंड आपका स्कोप आता है इन फार्माको विजिलेंस। फार्माको विजिलेंस भी आपका एक ऐसा और एक डिपार्टमेंट है अदर देन दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिनको हम शॉर्ट में पीवी कहते हैं। ठीक है, इनका क्या काम होता है, ये एनालिटिकल बेसिस पे काम करते हैं। इनका जैसे आपने देखा होगा, हम लोग जब कोई मेडिसिन लेके आते हैं तो उसके अंदर हम मेडिसिन के अंदर एक पेपर देखते हैं, ब्रोचर देखते हैं, जिसमें मेडिसिन के बारे में लिखा होता है कि इसको यूज कैसे करना है, इसके क्या इंटरेक्शंस हैं, तो वो सब एनालिसिस करके बनाने का काम फार्माको विजिलेंस वालों का होता है। ठीक है, उसके अलावा आप जा सकते हैं मार्केट।